नमस्कार मित्रों, उम्मीद है आपको पिछली जो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव के बारे में बताया गया है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आई थिंक होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसको अगले एपिसोड में हम क्लियर कर लेंगे। हम तीन भावों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, है ना? और इन तीनों भावों में कुछ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई, जिसका एक व्यूअर्स हैं जिन्होंने कुछ कंफ्यूजन था उनको, तो वो मैं दूर करना चाहता हूँ। एक्चुअली जब बात चल रही थी तो हमने भाव से भाव इस नियम के आधार पे आपको सारी चीज़ें समझाई थी। देखिए, ज्योतिष में अगर हम ये उम्मीद करें आपसे कि आप हर चीज़ को याद कर लेंगे तो ये संभव नहीं है, है ना? ये हम भी समझते हैं और ये प्रैक्टिकली संभव भी नहीं होता। तो इसके लिए ना दो तरीके हैं, या तो हर चीज़ को आप टेक्निकली समझ लें, है ना? दूसरी बात क्या होती है कि जिस नियमों के अंतर्गत ये बात हो रही है उस नियम को आप जान लें। तो एक थोड़ा सा मेरा उद्देश्य ये था कि चीज़ों को अच्छी से समझा के और नियमों को आपके पास पहुंचा के फिर हम अगर बात करें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना? याद करने से वो समय पे याद नहीं आएंगे, समय पे उपयोग नहीं हो पाएगा उनका। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को समझना, क्लियर कर लेना ज़्यादा आवश्यक है, है ना? यही उद्देश्य भी था मेरा, अभी तो जो भी क्लासेस ली हैं मैंने। एक्चुअली बात क्या थी कि हमने बात करी, मान लीजिए प्रथम भाव के बारे में हम बात कर रहे थे, जब प्रथम भाव वाले एपिसोड की बात थी, या लग्न के बारे में बात कर रहे थे। हमने एक नियम आपको बताया था कि 11वां भाव बड़े भाई बहन का भाव होता है, ठीक है? अब 11वें से तीसरा, ठीक है, अगर हमें ये देखना है कि बड़े भाई कितने परिश्रमी हैं, या परिश्रमी हैं या नहीं हैं, हैं तो कितने हैं, कितना उनमें उत्साह है, कितनी उनमें महत्वाकांक्षाएं हैं, है ना? अगर ये हमें जानना है तो हम कैसे देखेंगे? हमने बताया आपको कि पराक्रम का भाव कौन सा होता है, मेहनत का भाव कौन सा होता है इन जनरल कुंडली में, है ना? मुझे लगता है आप सबको समझ में आ चुका होगा कि थर्ड हाउस होता है, तृतीय भाव। अगर इस कुंडली की बात करें तो ये पहला भाव है, ये भाव के नंबर हैं, ये राशियों के नंबर नहीं है, ये पहला भाव है, इससे तीसरा, एक दो तीन, ये परिश्रम का भाव है, ये मेहनत का भाव है, ये महत्वाकांक्षा का भाव है, ठीक है? तभी तो इसको पराक्रम का भाव कहते हैं। अब वही नियम हमें यहाँ भी लगाना है, है ना? बेसिक्स, जैसे हम जब बार बार बात कर रहे हैं ना, जब भी मैं कोई भाव की बात करता हूँ तो इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। ये बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताता है, ये प्रथम भाव है, ये धन भाव है, ये पराक्रम भाव है, ये सुख भाव है, है ना? फोर्थ नंबर सुख भाव है, सुख फोर्थ भाव। पंचम भाव संतान भाव है, रोग भाव है, जीवन साथी का भाव है, मृत्यु का भाव है, भाग्य का भाव है, कर्म का भाव है, लाभ का भाव है और व्यय का भाव है, ठीक है? इससे हमने जब रिश्तों की बात करी थी तो हमने ये भी बताया था कि ये छोटे भाई बहन का भाव है, ये बड़े भाई बहन का भाव है, ये माता का भाव है, ये पिता का भाव है, ये पत्नी का भाव है, ये जीवन साथी का भाव है, ये संतान का भाव है, है ना? ये मामा का भाव है, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी
कई बार रिपीट भी हो चुकी हैं हर चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता है अब आवश्यक है बार बार बात करने के लिए, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करना ज़रूरी है। ये बातें रिपीट करना ज़रूरी है कि ये सुख भाव है, ये पराक्रम भाव है, जैसे कि ये आपके दिमाग में सेट हो जाए, ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अब 11th हाउस बड़े भाई बहन का भाव हो गया, ये कितने परिश्रमी है या इनका पराक्रम, हम 1 2 3 जब इसकी बात होगी ना, 11th हाउस की बात होगी या बड़े भाई बहन की बात होगी, या बड़े भाई बहन के बारे में अगर हमें कोई भी सूचना चाहिए होगी या उनके बारे में कोई जानकारी हमें चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमें 11th हाउस को 11वें भाव को लग्न मान लेना है उस क्वेश्चन के लिए, है ना। हम इसको कुंडली को पूरी होरोस्कोप को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे इसकी, जब बड़े भाई की बात होगी बड़ी बहन की बात होगी, तो हम इस पूरी कुंडली को ऐसे ट्रीट करेंगे कि ये लग्न है। क्यों? क्योंकि ये 11th हाउस बड़े भाई बहन का है, तो बड़े भाई बहन की जब हम बात कर रहे हैं तो इस कुंडली को हमें इस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा कि ये लग्न है। गॉट इट? दूसरी बात, जब हम छोटे भाई बहन की बात करेंगे तो हमें कुंडली को ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा कि ये लग्न है, तभी तो हम जोड़ेंगे। छोटे भाई के बहन का पराक्रम 1 2 3, तभी तो इसका तीसरा, तो इसका तीसरा ये हुआ, तो ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन के लिए लग्न हो गया। ठीक है, जब माता की बात आएगी, माता की हमें संतान देखनी है, तो माता की संतान, माता संतान भाव पंचम भाव, तो इन इस भाव को हमें लग्न मानना पड़ेगा जब, क्योंकि क्वेश्चन माता का है। 1 2 3 4 5 माता की पहली संतान, ठीक है, चाहे आप हैं या कोई आपके भाई बहन है, कोई भी हो, है ना, माता की पहली संतान। और इस संतान की छोटी संतान कौन सी, 1 2 3, फिर इसको लग्न मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माता की पहली संतान, पहली, अब क्वेश्चन जो आ गया वो माता की पहली संतान के लिए आ गया है, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन आ गया है ये माता की पहली संतान के लिए आ गया है, तो हमारा जो प्रश्न लग्न बन गई, प्रश्न लग्न बोलते हैं इस बात को, हमारी जो प्रश्न लग्न बन गई वो बन गई ये वाली। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे इसकी, 1 2 3, इसका तीसरा, मतलब पहली संतान का छोटा भाई या छोटी बहन, ये, अब ये आप हैं या आपके भाई बहन है कोई भी, है ना, उनकी छोटी। अब जब दूसरी संतान की, दूसरी पहली संतान ये, अब दूसरी संतान, दूसरी संतान के छोटे भाई बहन की बात आएगी तो क्या होगा, 1 2 3, देखिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, हर कुंडली जो है वो नियमों पे आधारित है। हम ये तो बात कर रहे हैं कि इसकी, इसकी किसकी, माता की पहली संतान का छोटा भाई बहन, ये हो गया। लेकिन अगर इसको क्रॉस चेक करना होगा तो इसका बड़ा भाई कौन होगा, बड़ा भाई बहन यही होगा, क्योंकि ये 11th होगा फिर इससे, ठीक है ना। जब इसका ये थर्ड छोटा है तो इसका बड़ा कौन होगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, सारी बातें नियम पे बात हो रही है, सारी नियम पे आधारित नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने कह दिया और आपने मान लिया, इसलिए मान लीजिए क्योंकि हम कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात, जो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है ना,
कोई कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता है। क्या क्रिएट हो सकता है क्वेश्चन या कंफ्यूजन, कि जब हम एक टॉपिक यही रखते हैं, क्योंकि बार बार टॉपिक बदलने से ना चीज़ें कंसंट्रेशन ख़त्म होता है। तो हम बात कर रहे हैं 11th हाउस की, बड़े भाई बहन का परिश्रम कहें या इनका पराक्रम कहें, यह हो गया ये वाला भाव। अब ये वाला भाव आपकी लग्न है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो आपकी पर्सनैलिटी होगी, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो बड़ा भाई मेहनती होगा, और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो वो आलसी होगा, क्या ऐसा है? लेकिन ये नियम तो यही कहता है, लेकिन नहीं। अब देखिए, मैं एक चीज़ का यूज़ बताता हूँ आपको, ये ऐसा क्यों नहीं होगा। अभी हम पहले भाव की बात कर रहे थे ना, एक शब्द यूज़ किया था हमने, पर आपके मतलब का नहीं था वो, इस लेवल पे आपके मतलब का नहीं था, लेकिन मैंने कहा था कि इसका बाद में यूज़ होगा, है ना, तो इसको याद रखिएगा। क्या था मैंने बोला था, इसका कारक सूर्य होता है, प्रथम भाव का कारक। द्वितीय भाव का कारक गुरु होता है, तृतीय भाव का कारक मंगल होता है। ये कारक की बात पता है क्यों करी थी, अब ये यहाँ यूज होगा, ठीक है। इसका पराक्रम, तो ये वाला भाव हो गया, लेकिन इसका कारक कौन होगा, 1 2 3 तीसरे भाव का कारक कौन होता है, तीसरे भाव का कारक होता है मंगल। तो जब इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले हाउस की बात कर रहे हैं, इसको हम लग्न मान चुके हैं, तो इसके सापेक्ष अगर हम इसके पराक्रम को देखेंगे, तो इसके सापेक्ष इसका पराक्रम कारक मंगल बनेगा, सूर्य नहीं बनेगा। तो प्रेडिक्शन चेंज हो गए, अंतर हो गया ना, फिर हमें मंगल की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। देखिए वो कैसे देखेंगे, वो हम बाद में बता देंगे आपको, लेकिन अभी ये जो छोटे छोटे कन्फ्यूज़न है ना, तभी मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कि कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आपको डिस्कस करना चाहिए, है ना। जब आप डिस्कस करेंगे ना, तो चीज़ें क्लियर होंगी, है ना, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखिए, बड़ा एक मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको, कि जब हम एज ए टीचर डील कर रहे होते हैं ना आपको, है ना, तो और आप एज ए स्टूडेंट समझ रहे हैं, तो हमें बच्चा बनना पड़ता है। बच्चे से मतलब होता है कि आपके स्तर पे जाके सोचना होता है, है ना, तब हम आपसे रूबरू हो पाते हैं, तब हम आपको अच्छे से समझा पाते हैं, है ना। हमें आपके स्तर पे बैठ के बात करनी पड़ती है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी वो स्तर डिसबैलेंस होता है। हम जिस चीज़ को बहुत छोटी मान के चलते हैं या बहुत सामान्य स्तर की मान के चलते हैं, वो आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी होता है, तो वो कभी कभी स्किप हो जाती हैं चीज़ें। तो जब तक कि आप एक्टिव नहीं होंगे ना, तब तक थोड़ा सा सीखने के दौरान भी ना वो कन्फ्यूज़न छोटे छोटे रह जाएंगे, है ना। क्लियर है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था किसी का, उन्होंने क्लियर किया, तो मुझे लगा कि इसमें डिस्कस करना चाहिए, अगर इस टाइप का कन्फ्यूज़न हो रहा है तो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सीधे 4th हाउस की तरफ। फोर्थ हाउस मतलब चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव मतलब सुख भाव। हमने पिछली बार बताया था ना, हर चीज की चर्चा करी, हमने बताया आपको कि 4th हाउस मतलब सुख भाव। तो आगे अगर आप जब भी 4th हाउस की बात करेंगे, तो इसको ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सुख भाव, जैसे कि प्रैक्टिस में आएंगी चीज़ें। देखिए जैसे जैसे भाव आगे बढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे ये हम पहले भाव की बात कर रहे थे, एक पे दूसरे भाव की बात करी, तीसरे भाव की, अब तीसरे भाव की मान लीजिए लास्ट एपिसोड है, अभी आपके तरोताजा होगा दिमाग में, हमने तीसरे एपिसोड की बात करी, हमने तीसरे एपिसोड में आपसे कही है, तो पराक्रम भाव है, लेकिन पराक्रम के अलावा भी कितनी सारी बातें करी, कितने इसके कंटेंट्स बता दिए आपको।
तो वो चीज़ें आपको अपडेट हुई, उससे पहले सेकंड हाउस की बात हुई, बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई, तीसरे भाव से हुई, फिर चौथे भाव से और होंगी। तो जब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे ना भाव सीखते समय, जैसे जैसे आगे हम चलते चले जाएंगे, वैसे वैसे कलेक्शन ऑफ द कंटेंट्स, भावों के जो कंटेंट्स हैं उनका जो कलेक्शन है वो आप के पास बढ़ता चला जाएगा। तो जब वो बढ़ेगा ना तो थोड़े सा कॉम्प्लिकेशन होंगे, थोड़ी सी दिमाग खोलना पड़ेगा, है ना, और बहुत मज़ा आएगा क्योंकि चीज़ें फिर सीख रहे होंगे, है ना, मतलब महसूस हो रहा होगा कि हाँ हम सीख रहे हैं। तो चलिए अब टॉपिक पर आते सीधे, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस चतुर्थ भाव को सुख भाव भी कहा जाता है, क्लियर है। एक्चुअली ये सुख भाव, सुख की परिभाषा क्या है, सुख की परिभाषा बेसिकली ये भाव, इस भाव के अगर अंतर्गत बात करें तो भौतिक सुख, भौतिक सुविधाएं, भौतिक संसाधन इस भाव से देखे जाते हैं। इनफैक्ट जो हमारी लाइफ लिविंग के लिए या लग्जीरियस लाइफ के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिन भौतिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, वो सभी इससे देख लेंगे, वो सभी इससे देखे जाएंगे। इसके अलावा माता का भाव होता है, ये तो कई बार बात हो चुकी है। अब भौतिक सुख से मतलब क्या हो गया, जैसे कि हो गया आपका घर, मकान, वाहन, घर की जो लग्जरियस आइटम की फर्नीचर, टीवी, फ्रीज, है ना, वॉशिंग मशीन, ये सारे आइटम जितने भी हैं भौतिक संसाधन हैं, ये इन्हीं से देखे जाएंगे। स्पेशली जब महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करते हैं हम, तो वाहन और मकान, है ना, ये दो बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि बड़े हैं। लेकिन आजकल जो सुविधाओं की चीज़ें हैं वो सभी महत्वपूर्ण होती हैं। बेसिकली आज की डेट में ना भौतिकतावादी युग है, तो संसाधन मस्ट हैं, ठीक है ना, तो ये इससे देखे जाएंगे। इसके अलावा क्या देखा जाता है, देखिए हमने एजुकेशन की बात करी थी, एक इससे सेकंड हाउस से, फिफ्थ हाउस से और नाइन्थ हाउस से, है ना, कई बार चर्चा हो चुकी है, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, इन तीनों से हमने एजुकेशन की बात करी थी। लेकिन एजुकेशन का ये भी है फोर्थ हाउस, लेकिन हमने चर्चा नहीं करी थी, है ना। ये बेसिकली क्या दिखाता है, ये शिक्षा में अवरोध है या नहीं है, शिक्षा में फ्लुएंसी है या नहीं है, इसको दिखाता है। चतुर्थ भाव की स्थिति के आधार पे हम ये निर्णय करते हैं कि इसकी ओवरऑल शिक्षा कैसी होगी, शिक्षा के मार्ग में कोई अवरोध तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है, किसी तरह की परेशानी तो नहीं है, कोई परिस्थितियां तो नहीं है। कभी ऐसा होता है कि आदमी के पास संसाधन होते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, है ना। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये फोर्थ हाउस से देखी जाएगी, बेसिकली शिक्षा में अवरोध या शिक्षा का स्तर, ठीक है, ये फोर्थ हाउस से देखा जाएगा, क्लियर है। और देखिए कालपुरुष की अगर बात करें तो कर्क राशि, इस कर्क राशि जिसका कि सिंबल जो होता है वो फोर नंबर होता है, हालांकि ये मैं फिर रिपीट करता हूँ कि ये अभी हम जो मान के चल रहे हैं ये भाव के नंबर मान के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी राशियों के भी सेम नंबर ही होते हैं, है ना। तो
इसका कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा होता है। ये भी आगे बात चलेंगे। इसके अलावा देखिए, वैदिक ज्योतिष में ना इसको जल स्थान भी कहा गया है। अब तो क्वेश्चन नहीं है, अब तो बहुत पीछे छूट गई है चीजें, लेकिन पिछले समय में जब हम एक एस्ट्रोलॉजर से लोग ये भी पूछा करते थे कि हमारे घर में कुआं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये बड़ा प्रोजेक्ट हुआ करता था कुआं खुदवाना, है ना। जमीनों की ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। जो आज हमारा जो क्वेश्चन चेंज हो चुका है, हमारा क्वेश्चन जमीन का हो चुका है, मकान का हो चुका है, हम जमीन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। व्यक्ति बस जमीन के लिए उत्साहित है, है ना, वो उसकी एक नीड है। मकान बनवाना उसके लिए आसान है, लेकिन जमीन लेना बड़ा कठिन है। तो ये जो क्वेश्चन आ गया वो केवल जमीन पर आ गया है। पहले जमीन की वैल्यू नहीं थी, जमीन लोगों के पास हुआ करती थी। तो क्वेश्चन क्या होते थे कि हमारे घर में कुआं खुद पाएगा कि नहीं, तो जल स्रोत को इंडिकेट करता है। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये कभी आगे काम आएंगी आपके, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगी, कभी बहुत, चलिए बाद में बताते हैं कहाँ कहाँ काम आएगी। जैसे एक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो प्रश्न ज्योतिष में कभी किसी की कोई चीज खो जाती है तो हम कह देते हैं कि जब नल के पास मिल जाएगी, है ना, तो फोर्थ हाउस से कनेक्शन हो जाता है तो नल के पास मिलती है वो, है ना। तो इस तरह का भी यूटिलाइज हो जाता है इसका, है ना। जल स्रोत जो होते हैं, कुएं जो होते हैं, है ना, नाव का व्यापार कोई करता है, नाव से संबंधित वो नेवी से रिलेटेड, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, ये सारे प्रोफेशन को फोर्थ हाउस इंडिकेट कर देता है। चलिए, वाहन की जैसे बात कर रहे हैं तो फिर वही पुराने जमाने की बात कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन ये नहीं होता था कि हम गाड़ी लेंगे कि नहीं लेंगे, है ना, फोर व्हीलर लेंगे कि नहीं लेंगे, ये क्वेश्चन होता था हम गाय लेंगे कि नहीं लेंगे, भैंस लेंगे कि नहीं लेंगे, क्यों होता था? क्योंकि वो भी चौपाया था, ये भी चौपाया है। चौपाया वाहन है, वो चौपाया जानवर था, ठीक है ना। तो देखिए अभी यूटिलाइज की बात कर रहे थे तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट का क्वेश्चन होता है, मृत्यु का क्वेश्चन होता है, तब भी ये यूटिलाइज हो जाता है। मृत्यु भाई पानी में डूब के हुई, या पानी से बच के रहना, है ना, इस तरह का। या फिर कभी एक्सीडेंट हुआ तो वाहन से एक्सीडेंट होना, या जानवर से एक्सीडेंट होना, चौपाई से एक्सीडेंट होना, है ना। तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि वाहन का भी यही है, जल का भी यही है, और जानवर का भी यही है, कैसे करेंगे? तो वो एक तो हमने अभी सूत्र बताई दिया बातों बातों में, आवश्यकता थी इसलिए, क्योंकि अभी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं ज़्यादा आपको, इसलिए धीरे धीरे बताएंगे आपको चीज़ें, है ना। तो ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, जैसे कि अभी बताया, कारक देखते हैं, राशियाँ भी देखते हैं। चलिए अभी इसमें नहीं पढ़ते हैं, अभी टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। और क्या देखते हैं अब? देखिए वही पुराने वाली बात अब शुरू हुई है, तो फिर चीज़ें दिमाग में आती जा रही हैं बार बार। एक और चीज़ बताएं, देखिए हवेलियों का बड़ा कारक था ये पहले, हवेली महल इससे ही बनते थे फोर्थ हाउस से, ठीक है ना। और इवन आप समझो कि अगर तंबू की बात करें तो तंबू भी इसी से देखेंगे, हवेली भी इससे देंगे, महल भी इसी से देखेंगे, ओके। और परिवार में परिवार इससे देखते हैं, जो घर परिवार होता है वो इसी से देखते हैं। घर परिवार में आपकी वर्थ क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, वो इससे देखेंगे, है ना। विवाह से पहले पिताजी के सानिध्य में जो परिवार है, विवाह के बाद जो आपकी पत्नी और बच्चों का परिवार है, वो इसी देखेंगे, क्लियर है। और
जमीन का कारक है ये। इवन देखिए, अगर आप किराए पे या लीज पे भी अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं ना, तो भी ये ही इंडिकेट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने किराए पे ली तो अलग भाव होगा और अगर खरीद ली तो अलग होगा, कि लीज पे ले ली तो तीसरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। अचल संपत्ति का यही भाव है। और क्या देख सकते हैं इससे बेसिकली? देखिए, इन जनरल अगर हम बात करते हैं ना, तो प्रायोरिटी पे जो लेते हैं वो पैतृक मकान लेते हैं। इसमें जो पैतृक मकान होता है हमारा, पिताजी का जो मकान होता है, उससे ज़्यादा मतलब होता है इसका। हालांकि आफ्टर मैरिज पत्नी के साथ बच्चों का जो हमारा संबंध है वो भी देखेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है वो पिता वाले मकान की तरफ, पिता वाले परिवार की तरफ, उससे संबंधित ज़्यादा होता है। और देखिए, अगर अपने घर का ये होगा, मकान का ये होगा, तो आप ये मानिए कि थर्ड हाउस, अब शायद थर्ड हाउस में बात कर चुके थे, घर से दूर रहने का मन जाता है घर से, क्योंकि चौथे को आधार बना लिया जाए तो चौथे के सापेक्ष, है ना, चौथे को लग्न मानना पड़ेगा। चौथे की अगर बात है, फोर्थ हाउस की अगर क्वेश्चन आया है, तो फोर्थ हाउस को तो लग्न मान लेना पड़ेगा हमें। जब हम इसको लग्न मानते हैं तो इसका ट्वेल्थ हाउस, इस क्वेश्चन के लिए इसका ट्वेल्थ हाउस थर्ड हाउस हो गया। तो इसका व्यय भाव थर्ड हाउस हो गया, तो इसका इससे संबंध बन जाता है किसी भी दृष्टिकोण से, तो व्यक्ति घर के बाहर रहता है, ठीक है ना। जो अभी कंफ्यूजन वाली हम बात कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है अब कंफ्यूजन होना चाहिए। और अननेसेसरी बार बार एक चीज को हम रिपीट करेंगे ना, जो संबंध मेरे ख्याल में तीन क्लासेस में आपने सारे संबंध समझ लिए होंगे, माता के छोटे भाई, मामा या पिता के छोटे भाई, चाचा, है ना, बहुत सारे संबंध आपने समझ लिए होंगे। तो अब मुझे नहीं लगता है कि उसमें अब रिपीट करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो क्लास को अब जल्दी जल्दी आगे पढ़ाते हैं। चलिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो छाती का कारक है और लंग्स का कारक है फेफड़े। इसको इंडिकेट करता है, फेफड़े से संबंधित कोई भी अगर परेशानी होती है, एक जनरली एक बहुत एक कॉमन सी बीमारी होती है फेफड़ों की या फिर लंग्स की, फेफड़े में पानी भर जाना, है ना। क्योंकि बेसिकली ये अपने आप में जल तत्व वाला घर है, है ना, ये जो भाव है ना, ये अपने आप में ही जल तत्व है। तो फेफड़े में पानी भर जाना ये एक कॉमन सी बीमारी होती है, कॉमन सी मतलब एक रनिंग बीमारी नहीं, लेकिन फिर भी अक्सर सुनाई दे जाती है। तो वो भी कैसे देखेंगे, जब मेडिकल की बात करेंगे तब बात करते हैं, ओके। तो ये लंग्स का कारक हो गया। मन का कारक है, है ना, तो मन का कारक है चंद्रमा। तो जैसे चंद्रमा मन का कारक है, तो वृश्चिक राशि, कर्क राशि का इस पे आधिपत्य होता है, और ये जो स्थान होता है ये भी मन का स्थान होता है। मन आपका कितना चंचल है, मन कितना शांत है, मन कितना संतोषी है, सुख की, सुख की बात कर रहे हैं, सुख की परिभाषा क्या है? सुख की परिभाषा ये है कि जहाँ आप संतुष्ट हो जाते हैं वहाँ आप सुखी हो जाते हैं, है ना। बहुत कुछ होने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये हाउस अच्छा नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है कि जो आपके टारगेट्स हैं उसको अचीव करने के बाद आप खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, तो इट मीन्स ये अच्छा है, है ना। तो सबसे पहले यही बड़ा महत्वपूर्ण भाव है, ये एक जीवन जीने की कला सिखाता है ये भाव, ओके। छोटे भाई बहन का ये हो गया, फिर बार बार रिपीट ना करके बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे। जैसे छोटे भाई का हो गया तो उनका धन हो गया, ये वाला हो गया, है ना, ये संचार का हो गया, टेक वो कम्युनिकेशन का हो गया, पिछली बार बात करी थी, है ना, तो उसकी डेवलपमेंट है, वृद्धि है, ये इससे हम देख लेंगे, है ना। सुख का भाव है, रिलैक्स का भाव है, तो क्षमता कितनी है यात्रा करने की या एफिशिएंसी कितनी वर्क करने की, ये इससे देख लेंगे,
और घर का कारक है तो आर्किटेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल एजुकेशंस हैं या प्रोफेशनल वर्किंग है वो इससे ही देख लेंगे, है ना, आर्किटेक्ट से संबंधित। और क्या हो सकता है, देखिए ये घर है तो ये नज़दीकी रिश्तेदार हैं, है ना, नज़दीकी रिश्तेदारों का संचय, मतलब वो रिश्तेदार जो घर आते जाते रहते हैं, घर में जिनका इंटरफेयर रहता है, आना जाना लगा रहता है, उनके साथ संबंध कैसे होते हैं, ये भी फोर्थ हाउस से देख लेंगे, है ना। और पंचम भाव संतान का भाव होता है, संतान का व्यय भाव होता है, तो संतान के खो गया संतान या दूर चली गई संतान या साथ में नहीं रहती है संतान, ये जो देखना है ये भी फोर्थ हाउस से देख लेंगे। और क्या देख सकते हैं, ये संबंध बता रहे हैं, पत्नी की बात करें तो पत्नी का भाग कर्म स्थान होगा, ये पत्नी का कर्म स्थान मतलब पति या पत्नी का प्रोफेशन फोर्थ हाउस से देख लेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट संबंध है, आपकी किसी महिला की कुंडली है तो उसके पति की प्रोफेशन की स्थिति क्या है ये डिसाइड करेगा, यही आपका सुख डिसाइड करेगा, आप सुखी हैं कि नहीं है, है ना। पैसा रुपए पैसा अच्छा है तो आप सुखी रहेंगे, इन जन मतलब एट ए ग्लांस अगर बात करें तो, है ना। तो पति या पत्नी का कर्म है, आप किसी महिला की कुंडली है उसके पति के बारे में जानना है तो उसके पति का 10th हाउस, उसका कर्म अगर अच्छे है तो महिला सुखी रहेगी, कर्म अगर खराब है तो महिला दुखी रहेगी, है ना। ये ससुराल का हो गया, ससुराल का भाग्य हो गया वो कैसा होगा, है ना। तो इसी तरह से इस जिसकी बात चलेगी उस भाव को, उस क्वेश्चन के लिए हमें लग्न मानना पड़ेगा, उस क्वेश्चन के लिए हमें इसको प्रथम भाव मानना पड़ेगा या इसे प्रथम भाव मानना पड़ेगा या 10th हाउस को प्रथम भाव मानना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके पास आया है। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आपका डिसीजन होगा कि आपको अब कहाँ से शुरुआत करनी है, कैलकुलेशन कहाँ से आपको बनानी है। ओके, और क्या हो गया, रोग ऋण और शत्रुओं से होने वाले लाभ को दिखाएगा, कभी कभी शत्रुओं से ही लाभ होता है ना। रोग में क्या लाभ होता है, रोग में लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ये दवा का बताया था, दवा का संचय, देखिए ये तो दवा का हो गया लेकिन दवा का रिएक्शन क्या हुआ, दवा का आउटपुट ओवरऑल क्या हुआ, वो सुख के रूप में आएगा, ठीक है ना। आई थिंक यही है बस, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, प्रॉपर्टी खरीदना कर प्रॉपर्टी बेचना ये सब हो ही है। तो ये हमारा चौथा भाई कंप्लीट हो गया, और मुझे लगता है ये सब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा क्योंकि 3 उसमें एपिसोड्स में हमने बड़ी विस्तृत चर्चा करी थी इसके बारे में, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब हर चीज़ को बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पंचम भाव की बात करते हैं, ठीक है, ओके, नमस्कार।